हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, इन शॉर्ट ईवीएस, ईवीएस भी कहते हैं इसे, ऑफ क्लास सेकंड। टुडे वी विल रीड यूनिट वन, माई सेल्फ, इट मीन्स मेरे बारे में। चैप्टर वन, माई सेल्फ, इट मीन्स मेरे बारे में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। माई नेम इज़, मेरा नाम है डैश। इस डैश में आपको आपका नेम लिखना है, अपने नेम की स्पेलिंग लिखना है, ओके। माई फादर्स नेम इज़, मेरे पापा का नाम है डैश। यहाँ पर आपके पापा का नेम लिखना है। नेक्स्ट, माई मदर्स नेम इज़, मेरे अम्मी का नाम है डैश। इस डैश में आपको आपके अम्मी का नेम लिखना है। नेक्स्ट, माई बर्थडे इज़ ऑन, मेरा जन्मदिन है डैश। यहाँ पर आपको आपके बर्थडे डेट लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं डैश साल की हूँ। यहाँ पर आपको आपका एज लिखना है, आप कितने साल के हो, ओके स्टूडेंट्स। माई एड्रेस इज़ हाशिमाबाद, मैंने यहाँ पर हाशिमाबाद लिखा है, ओके स्टूडेंट्स। क्योंकि एड्रेस मीन्स पता, आप जहाँ रहते हो वहाँ के एरिया का नेम यहाँ पर लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। अगर आप कोई और एरिया पर रहते हो तो वो एरिया का नेम भी आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर हाशिमाबाद लिखा है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, मेरे स्कूल का नाम है उरूज मॉडल हाई स्कूल। आपको आपके स्कूल का नेम यहाँ पर लिख देना है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आई स्टडी इन क्लास सेकंड क्लास, मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। द नेम ऑफ माय स्कूल्स प्रिंसिपल इज़, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर का नेम है मोहम्मद अतीक़। ओके स्टूडेंट्स, आपको आपके प्रिंसिपल सर का नेम यहाँ पर लिखना है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मोहम्मद अतीक। नेक्स्ट, द नेम ऑफ माय क्लास टीचर इज़, मेरे क्लास टीचर का नेम है डैश। इस डैश में आपको आपके क्लास टीचर का नेम लिखना है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज़, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नेम है डैश। आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नेम यहाँ पर लिखना है। सो टुडेज एक्टिविटी वर्क इज़ टू फिल दीज ब्लैंक्स एंड पेस्ट योर फोटो हियर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आपको ये डैशेस फिल करना है और ये जो मैंने सेम लिखा है वो सेम वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो पेस्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।